सो हाय एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का एक बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको बारिश की बूंदों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि हमारे यहाँ फिलहाल बारिश हो रही है, तो इसीलिए पीछे आप लाइट नहीं देख पा रहे होंगे। फाइनली आते हैं वीडियो की ओर। जैसे कि आपको मालूम है कि हमेशा जो है आंगनवाड़ी सेविकाओं की, आंगनवाड़ी संघ की ये मांग रहती है कि सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन इसके संबंध में विधानसभा में जो तारांकित प्रश्न माननीय विधायक जी के द्वारा उठाया गया था, उसके संबंध में विभाग ने क्या कहा है, सरकार ने क्या कहा है, मानदेय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, चलिए इसके लिए हम आपको ऑफिशियल लेटर को दिखा देते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो बिहार में आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है उनके मानदेय के संबंध में बिहार विधानसभा में जो चर्चा की गई, प्रश्नोत्तर पूछा गया, उसके संबंध में उत्तर जो है आपके स्क्रीन पर अभी देखने को मिल रहा है। देखिए, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था, श्री विजय कुमार मंडल जो है माननीय विधायक हैं, उन्होंने 28 जून को जो तारांकित प्रश्न पूछा था उसका 87 का उत्तर दिया गया। अब देखिए, प्रश्न उन्होंने पूछा था किससे पूछा था, प्रश्न उन्होंने पूछा हुआ था समाज कल्याण मंत्री से, उन्होंने पत्र पूछा हुआ था कि यह बतलाने की कृपा करें कि क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं को मात्र 5650 एवं सहायिकाओं को 2825 रुपये दी जाने वाली मानदेय राशि से इस महंगाई के दौर में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। यदि हाँ, तो सरकार सेविका एवं सहायिका को मानदेय बढ़ाने विचार रखती है या फिर नहीं रखती है? अगर नहीं रखती है तो क्यों नहीं रखती है? मतलब कि सीधे सीधे इन्होंने पूछ लिया था कि क्या अभी फिलहाल आप लोगों को मानदेय जो आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को बढ़ाना है, अगर बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है, अगर नहीं बढ़ाना है तो क्यों नहीं बढ़ाना है, क्या इस महंगाई में क्या सेविकाओं सहायिकाओं का काम चल सकता है? कमेंट करके आप लोग बताइए, क्या इस महंगाई में आपको जो मात्र 5950 रुपये मिलते हैं या फिर सहायिकाओं को जो 3000 रुपये के आसपास मिलते हैं, क्या उसे पूरा महीने का खर्चा चलाना पॉसिबल है या नहीं है? पूरी खबर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अब देखिए, माननीय मंत्री जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री, उन्होंने उत्तर दिया, मदन सहनी जी क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि वस्तु स्थिति यह है कि ICDS एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत स्थानीय महिलाएं जिन्हें सामाजिक कार्य में अभिरुचि, उन्हें आंगनबाड़ी सेविका सहायक के रूप में चयन किया जाता है। इनका मानदेय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में निर्धारित है एवं समय समय पर राज्य सरकार द्वारा राज्य भत्ता के रूप में अलग से राशि दी जाती है। ये ठीक है कि पूरे देश में जो केंद्र सरकार की ओर से भी मानदेय का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन आप अदर स्टेट्स में भी देखिए, जैसे कि गोवा में देख सकते हैं, कर्नाटका में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर मानदेय कुछ ठीक ठाक अच्छा है, लेकिन क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार जो है अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करती हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि भारत सरकार के मानदेय के अलावा 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को 1450 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी को 1130 रुपये तथा आंगनबाड़ी सहायिका को 725 रुपये अतिरिक्त राज्य भत्ता के रूप में दिया जाता है, यानी वो बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार अभी आंगनबाड़ी सेविका को 5950 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी सेविका को 4630 रुपये और सहायिका को मात्र 2975 रुपये एक महीने के लिए मानदेय दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे जरूरी चीज़ यहाँ पर क्या लिखा गया है कि फिलहाल में वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। अब देखिए, इतना बड़ा हम लोगों ने आंदोलन किया था, इतना बड़ा हड़ताल किया हुआ था, हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल के सामने आएगा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। और उल्टे में आपको यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि फिलहाल अभी सरकार के पास इसका कोई विचार तक ही नहीं है, कोई भी प्रस्ताव तक नहीं है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ोतरी की जाए। और ये जो लेटर है बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग की ओर से 24 जून को ये जारी किया गया, ये जो है उसका उत्तर से संबंधित ये पत्र जारी किया गया। अब यहाँ पर आपको देखने में क्लियरली मालूम चल रहा है कि जितना है फिलहाल उतना ही संतुष्ट करना होगा। फिलहाल आप कुछ भी कर लें, काफ़ी दिनों तक मानदेय के संबंध में कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो ये एक बुरी खबर थी। तो उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई कि मानदेय की स्थिति क्या रहने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।